हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान पटवारी का एग्जाम आ गया है, तो इसी का एक सुपर फास्ट टेस्ट करेंगे। 10 मिनट में 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि कितनी आपकी तैयारी है और कितने आप सही कर सकते हैं। टारगेट है कम से कम 70 में से आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना है कि जो भी आपका स्कोर रहा है वो कितना रहा है और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और यही सुपर पार सीरीज में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, ये टेस्ट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करना, ताकि इसकी नई नई सीरीज है वो बनाई जा सके। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार के द्वारा 1981 में घोषित मानक मिटचैन का नाम क्या है। भारत सरकार ने, क्योंकि पटवारी में इस टाइप क्या एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो भारत राजस्थान सरकार ने 1981 में जो मानक चेन घोषित की थी उसका नाम क्या है? तो मीटर चेन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा है कि सर्वेक्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सर्वेक्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि इंजीनियरिंग चेन की टोटल लंबाई कितनी होती है? इंजीनियरिंग चेन की टोटल लंबाई कितनी होती है? 100 फीट होती है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 कि राज्य की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की कार्यपालिका होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 7 कि उपराष्ट्रपति का उपचुनाव कौन करवाते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से धातु तत्व बता दीजिए कि इनमें से धातु तत्व कौन सा है? सोडियम है, सोडियम डी आपका राइट आंसर। 9 नंबर लोप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था, ठीक है, लोप्रोसी बेसिलस का आविष्कार है वो किसने किया था? हेनसेन ने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर कि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, वह 220 वोल्टेज स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो कितनी धारा लगेगी? तो कितना लगेगा? 18 एम्पियर, 18 एम्पियर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो आप राइट आंसर कर दीजिए, कोई भी मान लीजिए 18 होगा तो राइट आंसर आपका 18 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सारंगी जो है वो किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? सारंगी एक तत्व वाद्य है, यानी जिसमें तार लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि दोराई का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकाहो दोनों भाइयों के बीच में, डी आपका सही है। 13 नंबर है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन है वो किसने किया था? स्थापना दिवस का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये चौथा चरण की बात है जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कि खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में राजस्थान 6ठे स्थान पे है। 15 कि राज्य में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहां पर है? मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है वो डग में है, झालावाड़ में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 डोंडार राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1137 के टाइम पर दुल्ले राय जी ने रखी थी, जिसको आप तेज करण भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्य की किन 2 जिलों में वर्षा के दिनों में क्रम से संख्या अधिक और कम होती है? वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में होती है और सबसे कम होती है जैसलमेर में, तो बी आपका सही है। 18 कि माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त रूप से किसका उपक्रम है, यानी कौन सी 2 राज्यों की है? तो राजस्थान और गुजरात की, गुजरात राजस्थान की है 45-55%। 1900 ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? सबसे ज्यादा आंधियां चलती है गंगानगर जिले में, सी आपका सही। 20 नंबर मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह राज्य कौन सा है? तो मेवाड़ जो है मूल से राजस्थान की है, मूल रूप से तो राजस्थान की शैली है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि राजस्थान की मूल चित्र शैली कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली। 21 है कि राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य रीजन क्या है? दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है रीजन है कि रावली पर्वतमाला का ऊंचा होना, एक आपका सही है। 22 नंबर कि टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म किस जोन के कारण लंबे समय तक खराब नहीं होती है? किस जोन की वजह से? पोली गलेक्टोयूरिनेज की वजह से, सी आपका सही है। 23 है कि इकोसिस्टम शब्द है वो किसने दिया था?
इकोसिस्टम शब्द ये किसने दिया था? टेंसले के द्वारा, सी आपका सही है। 24 है कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध जीरो होता है, तो बी आपका सही है। 25, किनमें से कौन सा विटामिन है, इनमें से विटामिन कौन सा है, तो राइबोफ्लेविन, ये कौन सा विटामिन है, आप नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विटामिन है कौन सा। 26 है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षी के उत्पाद को प्रेरित करे उसको क्या कहते हैं, और वो क्या कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 नंबर, निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम बता दो। झुंझुनू जिले में कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी मुरुग से सीकर की है। क्वेश्चन नंबर 28 कि राज्य के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमाओं से लगते हैं, बिल्कुल आसान से 23 जिले, डी आपका सही है। 29 है कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है भील जनजाति के लिए, तो ये महुआ है, महुआ राइट आंसर सी हो जाएगा। 30, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो दूसरा है जोधपुर, पहला कौन सा है कॉमेंट करके आप बता दो। 31 है कि जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन रहे थे, बंगाली बाबा विद्याधर भट्टाचार्य जी, सी आपका सही। अगला कि जाजम प्रिंट का संबंध है किस स्थान से, जाजम, आजम ये प्रिंट चित्तौड़गढ़ अकोला चित्तौड़गढ़ में है, एक आपका सही है। 33 नंबर, बौद्धे से नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी आपका सही है। 34 नंबर, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है, लोक नृत्य की गुलाबों कालबेलिया नृत्य से, कालबेलिया के कौन कौन से नृत्य हैं, चार के नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि लंबी बावड़ी कहां पर है, ये लंबी बावड़ी है धौलपुर में, एक आपका सही है। 36 है कि वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा होती है, एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में मंदिर है। 37 है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात कौन सी, सबसे प्राचीन ख्यात आती है नैणसिंह ख्यात, मुणौथ नैणसिंह किसके दरबारी कवि थे, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। 38 है कि गरबा किस नृत्य है, वो कैसा नृत्य है, गरबा नृत्य जो है ये कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है कि महिला प्रधान नृत्य है, गरबा स्त्री प्रधान नृत्य है, तो बी आपका राइट आंसर। 39 है कि राजस्थान में धराड़ी किसको कहा जाता है, धराड़ी क्या होता है, तो गोबर के कंडों का जो संग्रह की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि अमली मीना कोटा के किस शासक की पासवान थी, जिन्होंने अमली मीना का महल भी बनवाया था, याद होगा ये महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी। क्वेश्चन नंबर 41, तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में है, स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन सी है, तलवाड़ा बारमेड में है त्रिपुरा सुंदरा माती, यानी तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता कह दीजिए, बी आपका राइट है। 42, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे, सागड़ी प्रथा पर रोक लगाई थी स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर के जो शासक थे। 43 है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। 44 कि निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला है वो स्थित है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान में, टोटल कितना विस्तार है वो कॉमेंट करके आप जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए कितने वन, 33% वन होना चाहिए, वर्तमान में कितना है कॉमेंट करके आप जरूर बता देना। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध है वो कहां से रहा था, जय नारायण व्यास जी जोधपुर से, जोधपुर प्रजामंडल भी आपको याद होगा। 47 है कि अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद ये सारे चित्रकारों के नाम है, और ये किस चित्रशैली के चित्रकार रहे थे, किशनगढ़ चित्रशैली का, और कमेंट करके बताना कि किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके टाइम का माना जाता है। 48 है कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से हुआ है कौन सा लोकवाद्य है, रावण हता ते तत्वाद्य है, टोटल तार कितने होते हैं इसमें कमेंट करके आप जरूर आंसर दीजिएगा इसका। 49, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था, नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को, किसने किया था नेतृत्व वो आप कॉमेंट करके बताना है। गोटियांबा का मेला किस जिले में बढ़ता है, गोटियांबा का मेला बांसवाड़ा में, गोटियांबा का मेला किस जाति का कुंभ माना जाता है कमेंट करके बताना। बनेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है, डूंगरपुर में नवा टापरा है, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। 52 है कि अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहां पर मुगल बादशाह आया था, शेख सलीम चिश्ती, जो शेख सलीम चिश्ती पर आया था, लेकिन ये कहां पर था ये इंपॉर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती अजमेर में, एक याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में पहली महिला, राजस्थान में पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? यह है हाड़ी रानी के नाम पर है। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम कमेंट करके क्या बताएंगे। अगला एक इनमें से असंगत की पहचान करनी है कि कौन सा है। केला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर सही है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा में सही है, अफीम की खेती अग्रणी जिला सीकर गलत है, चित्तौड़गढ़ है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 55, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, डी आपका सही है। 56 नंबर, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? चंबल नदी का है, एक आपका सही है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, कौन सी दो नदियों का? सतलज और व्यास नदी के जल का यूज होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा। भील जो है वो मूल रूप से निवासी है, भील है मध्य भारत के, मध्य भारत के निवासी। 59 है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? थेवा कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है। अब आप बताएंगे कि कौन सा परिवार ने इसको संरक्षण दिया था। 60 नंबर, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्ग या 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। 61 नंबर, किनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बादला कहां का, जयपुर का, तो यही गलत हो गया। सुमेलित है कौन सा ये बताना है, चलिए तो ये तो गलत है। बादला है वो जोधपुर का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मसूरिया साड़ी कोटा की सही है। नमदा टोंके है जोधपुर की नहीं है। संगमरमर की मूर्ति है वो जयपुर की है, टोंक की नहीं है, तो राइट एक ही है, बी आपका सही है। 62 की, 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मोक मेसन की। अब आप ये बताएंगे किस युद्ध के बाद में ये घटना हुई थी और ये कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? चेतावनी रा चुगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की है? केसरी सी बारट की है, 1300 में लिखा था। अब किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? चेतावनी रे चुगटिया के माध्यम से कॉमेंट करके आप बताना। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, एक आपका सही है। 65 है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कृति सुधाकर, बी आपका सही है। 66 है कि राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? कौन सा पक्षी है? गोडावण है, गोडावण। क्वेश्चन नंबर 67 है कि राजस्थान में सागवान के वन किस जिले में नहीं पाए जाते? किस में नहीं होते? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में होते हैं, सिरोही में नहीं होते। अब आप बताएंगे कि कौन से अभ्यारण्य में होते हैं? धरती धोरारी और पीतल और पाथल जैसी अमर रचनाएं किसकी है? यह है कन्हैयालाल सेठिया जी की। पाथल और पीतल किसके नाम है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। 69, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु बता दीजिए। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, और कपास का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होता है, और कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयोगी है कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर आकाश 70, राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहां पर है? गड्डेपान में, गड्डेपान है कोटा में। ये थे 70 क्वेश्चन, 10 मिनट कितने सही के कमेंट करके बता देना। सारे ही टॉप क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ताकि ये सुपर फायर सीरीज है वो एग्जाम से पहले 10-15 टेस्ट हम और कर सकें। और कैसा रहा टेस्ट कमेंट करके जरूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है। पीडीएफ कहां से लेनी है? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? प्रहलाद सारण सर के नाम से है। अभी सर्च करके सारी पीडीएफ वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपलोड हो जाएगी सारी पीडीएफ वहीं पर। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।